जालौन में जीत पर हुई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हां, सत्ता परिवर्तन के बाद सही प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख पद पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कवायद शुरू हो गई चुकी है। जालौन के कुठौज ब्लॉक प्रमुख पद पर भी मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को बीडीसी सदस्य ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे। इससे पहले मंगलवार की सुबह कुठौत ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और सुरक्षा की दृष्टि से 6 थानों की पुलिस फोर्स और पीएससी के जवान भी तैनात किए गए थे। कुठौत ब्लॉक से समाजवादी पार्टी की पुष्पा देवी ब्लॉक प्रमुख थी। उनके विरोध में आज अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें 69 बीडीसी सदस्यों के सापेक्ष 37 बीडीसी सदस्यों ने विरोध में वोट डाले जबकि 2 मत निरस्त हुए। ऐसे में आधे से अधिक वोट विरोध में आने पर ब्लॉक प्रमुख पद पर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। उसके बाद जीत के जश्न में सत्ता पर काबिज लोगों ने जमकर बीच रोड पर फायरिंग की। कृष्णपाल सिंह और उसके समर्थक किस तरह बीच बाजार में फायरिंग कर रहे हैं वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं। यह सोशल मीडिया पर वीडियो फायरिंग का बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सपा की पुष्पा यादव के खिलाफ हुआ है अविश्वास प्रस्ताव। जालौन के कुठौज ब्लॉक का है मामला।